आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पीकर और लाउड स्पीकर का आविष्कार कब हुआ था और पहले के लाउड स्पीकर और आज के लाउड स्पीकर और स्पीकरों में क्या फर्क है। अगर आप हमारे डिफरेंट जानकारी चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे भी लाइक कर दें। तो चलिए अब जानते हैं बिना किसी देरी के। 1898 में हॉरेस सॉल्ट ने कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट होने वाले लाउड स्पीकर के डिजाइन को पेटेंट करवाया था। आज के टाइम पे जो हम लोग स्पीकर यूज करते हैं वो गतिशील स्पीकर होते हैं, जिसका आविष्कार 1925 में एडवर्ड डब्ल्यू क्लॉग और चेस्टर डब्ल्यू राइज ने किया था। 1930 में जेनसेन ने चुंबकीय लाउड स्पीकर बनाया और सबसे पहले लाउड स्पीकरों में वैद्युत चुंबकों का यूज किया गया था। और 1930 के दशक में लाउड स्पीकर निर्माताओं ने फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और साउंड प्रेशर लेवल को बढ़ाने के लिए 2 और 3 बैंड पास को मिलाना शुरू किया था। और 1937 में पहली बार गोल्डन मायर द्वारा थिएटर के लिए सीआर हॉर्न सिस्टम शुरू किया गया था, जो फिल्म इंडस्ट्री का पहला स्टैंडर्ड लाउड स्पीकर सिस्टम था। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें चेंजेस होते चले गए और बहुत सी कंपनियां आई जिन्होंने अच्छे अच्छे स्पीकर बनाए, जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं बेस एसपी आ गया, सब कुछ। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, केवल लाउड स्पीकर और नॉर्मल स्पीकर हुआ करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हैं मुझसे, नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे डिफरेंट जानकारी चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।